हेलो दोस्तों, मैं जितिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एचटेट स्टार्ट किया था। एचटेट में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस दो वीडियो डाली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे भाई, किस तरीके से वो पूछता है, ठीक है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे डी ट्रिपल एस बी में एचटेट सीटेट से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो था रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। दिस इज आवर फर्स्ट वन क्वेश्चन। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या था, अब देखिए, रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स कहां तक, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला था मैंने, रूट फिफ्टीन प्लस रूट फिफ्टीन प्लस रूट फिफ्टीन एंड अप टू इनफाइनाइट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला था मैंने कि रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन अब तो कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए क्या है इसके रिगार्डिंग, हो हमारे ये टॉपिक है हमारा आज का। देखिए क्या है क्वेश्चन, है कोई टॉपिक नहीं है, यहां से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, से पूछेगा इसका आंसर क्या होगा आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में वो अप टू इनफाइनाइट की जगह वो ऐसे भी बोल सकता है कि भाई बिल्कुल लास्ट तक है, तो आपको यहां से इंटरेस्टेड है दोस्तों क्या है कि ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं इसका लेंथी मेथड वो नहीं, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास समय कम है, तो हम जितने टॉपिक ज्यादा से ज्यादा हम कर पाएंगे स्टेट में तो वो चीज हम करेंगे। अब देखिए, रूट सिक्स है, देखिए यहां पे देखिए रूट सिक्स है, प्लस का साइन। अब देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। हाँ भाई, ये भी एज इट इज है। अब हम एक चीज देखेंगे, जो इसके अंदर नंबर कौन सा, सिक्स। सिक्स के सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड का मतलब जैसे इसके छह के जो फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखिए हम देखेंगे भाई, लगातार फैक्टर करने, क्या करने, कॉन्टिन्यूस फैक्टर। जैसे हम इसको बोल सकते हैं टू और थ्री, यदि हम टू को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स आएगा, ऐसे तो भाई वन और सिक्स से भी मल्टीप्लाई सिक्स आएगा, लेकिन मैंने कंडीशन क्या बोल ली है, लगातार। लगातार का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस। जैसे कि इन दोनों में क्या है, यहां पे हम एक चीज देखेंगे, इन दोनों में कितने का गैप है दोस्तों, एक का गैप है, ठीक है। अब देखिए, सिक्स भी ही हो गया। अब देखिए, फिफ्टीन, यदि हम फिफ्टीन के फैक्टर करेंगे, देखिए क्या हमारे लगातार होंगे कोई फैक्टर, मतलब क्या उनमें दोनों में एक का गैप आएगा, नहीं, उसके हम क्या, हमारा क्या होगा, थ्री इंटू फाइव। अब देखिए, यहां पे दो का गैप आ गया। देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट वन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब हमारा कोई भी एक नंबर दिया हुआ आपको इस तरीके से रिगार्डिंग, मतलब अप टू इनफाइनाइट तक, तो हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर में क्या होना चाहिए, गैप कितना आना चाहिए, एक का गैप आना चाहिए। क्या बोला दोस्तों, एक का, जैसे टू इंटू थ्री। अब देखिए, एक का गैप नहीं बोल सकते हम, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए लगातार है, लगातार मतलब दो तीन, तीन चार, चार पांच, इस तरीके से। देखिए, टू इंटू थ्री किया तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे क्या देखा हमने, यहां पे साइन किस चीज का दोस्तों, प्लस का। यदि हमारा प्लस का साइन है तो जो बड़ा फैक्टर है वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थ्री। अब देखिए, हमने क्या किया भाई, रूट सिक्स किया। अब यहां पे हम इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या, इसके भी दोनों फैक्टर होंगे, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे सामने क्या होगा, टू। तो हमारा आंसर कितना हो गया, टू। अब देखिए, यहां से आपको एक चीज समझ में आई है, क्या चीज समझ में आई है, जब हम इन दोनों के फैक्टर करेंगे, टू इंटू थ्री के हमने फैक्टर किए, फैक्टर करते ही हमने क्या चीज देखा कि भाई दोनों क्या है, लगातार है, कॉन्टिन्यूस फैक्टर है, तो टू इंटू थ्री। अब यहां पे मैंने थ्री क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जहां पे भी प्लस का साइन होगा, देखिए रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स, तो क्या होगा, जो हमारा बड़ा फैक्टर होगा, जो सब इन दोनों में बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर कौन सा है, टू और थ्री में से कौन सा है, थ्री, तो प्लस में क्या होगा, हमारा बड़ा आ जाएगा, और जो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। जब हमने देखिए, सबसे पहले हम इस नंबर के क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कौन से करने, लगातार, यदि लगातार होते हैं तो देखिए यहां पे क्या है, मैंने लिखा
रूट सिक्स के कौन लगातार फैक्टर हो गए, 2 और 3। अब देखिए जहां पे प्लस का साइन, अब देखिए यहां पे सब जगह कितना है, ये देखिए प्लस का साइन, ये भी प्लस आ गया अप टू इनफाइनाइट, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। यदि प्लस का साइन है तो बड़ा फैक्टर और नेगेटिव का साइन है तो छोटा फैक्टर। आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं इससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन और बोलता हूं आपको। जैसे क्या है, रूट ट्वेंटी कहां तक है, अब देखिए ये रूट अप टू इनफाइनाइट तक है। अब देखिए हमको क्या करना, 20 के फैक्टर करेंगे, 20 के कितने होते हैं, क्या हम पहले ये देखें क्या इसके लगातार फैक्टर हैं? बिल्कुल, हमने देखा 4 × 5, 4 × 5। अब देखिए क्या किया, प्लस का साइन है तो क्या होगा, जो बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर कितना है, 5, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यदि यहां पे नेगेटिव आता, जैसे रूट ट्वेंटी अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता दोस्तों, इसका आंसर हो जाता 4 × 5, तो क्या आंसर हो जाता, 4। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव का साइन है। तो समझ में आ गया, ये कंडीशन कब है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जब हमारे दो फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, लगातार होंगे। ठीक है भाई, हमने कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट 1 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे √15 है। अब देखिए √15 की हम, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, क्या है √15, ठीक है, प्लस रूट फिफ्टीन, प्लस का हम देखते हैं, ठीक है, प्लस रूट 15, ठीक है, अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स, इसका आंसर बताना है। तो देखिए 15 के हम फैक्टर करेंगे 15 के, वो कितने होंगे, 3 × 5, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऐसे तो 1 × 15 भी होता है भाई, लेकिन क्या करनी है, जो हमारा नजदीक है। अब यहां पे हम देखेंगे जो गैप है ना, वो तो भाई 2 का आ गया, भाई 3 के बाद 4 है, या हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं लगातार कि 1 का गैप है या 2 का गैप है। गैप क्या है, 1 से ज्यादा है, मतलब ये नंबर लगातार नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई प्लस है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो 5 आंसर हो जाएगा, नेगेटिव हो तो 3 आंसर होगा। नहीं, इसका आंसर ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन कब है, जब हमारे लगातार होंगे, बट ये दोनों तो हमारे कॉन्टिन्यूस नहीं है ना दोस्तों। तो हम इसमें देखिए एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है, √4a + 1 + -1/2, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला बोला है, क्या फॉर्मूला बोला है, देखिए √4a + 1 + -1, ठीक है, इससे अब देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको कम समय में ज्यादा मेटेरियल मिल जाए। अब क्यों, अब देखिए जहां पे हमारे फैक्टर कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले में भी एक है, सर ये प्लस माइनस वन ये क्या है, प्लस माइनस वन का मतलब है, यहां पे प्लस है तो प्लस वन हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे ही कि √15, अब ये प्लस था, यहां पे हम माइनस लिखते हैं, माइनस रूट फिफ्टीन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब देखिए यदि मैं इसका बात करता हूं तो देखिए फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, √4a + 1 + 1/2। अब देखिए जो 2 है वो दोनों के नीचे है दोस्तों, याद रखना है, यहां पे किसका लगेगा, प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पे किस चीज का साइन है दोस्तों, प्लस का है। अब यहां पे क्या होगा, ये होगा √4a + 1, अब यहां पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, -2। अब -1 क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव जो रूट है उसमें साइन किस चीज का दोस्तों, नेगेटिव का। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, सर लेकिन व्हाट इज ए, ए क्या है, ए है हमारा जो यहां पे आपको नंबर शो हो रहा है, कितना नंबर है, 15, तो ए कितना हो जाएगा, हियर ए इज 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए की वैल्यू रखनी 4 × 15 + 1, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर यहां तक है, अब +1/2, तो इसका आंसर क्या होगा, √61 + 1/2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपने इसको इजीली कर दिया, √61 + 1/2, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 4a, अब देखिए यहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, √61 - 1/2, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा जिसमें गैप एक जैसा नहीं है, तो हम उसको इस फॉर्मूले से करेंगे। गैप एक जैसे का मतलब ये नहीं है दोस्तों, गैप का मतलब है लगातार होने चाहिए। जैसे एक बार आपसे D SSB और STAT में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई √30 + √30, ठीक है,
प्लस रूट 30, ठीक है, ये रूट इसके आगे है, अप टू इनफाइनाइट, जिसे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, हमने देखा 30 के फैक्टर करेंगे कि 5 × 6, 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 30, दोनों एक ही चीजें हैं। अब यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, अब देखिए लगातार फैक्टर है भाई, कंटीन्यूअस है, 5 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 क्योंकि किस चीज का साइन है, हमारा प्लस का साइन है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है हम वो देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं कि √2 - √2, ठीक है, -√2 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई, अब आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, √2 है, 2 के हम फैक्टर करेंगे भाई, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के हम ऐसे लिख सकते हैं 2, लेकिन नहीं, 1 × 2 भी तो लिख सकते हैं हम दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × 2 हमारे दो फैक्टर हो गए। कोई भी एक नंबर है 15, उसके दो फैक्टर होते हैं, 1 × 15 कम से कम कितने होते हैं, 2, ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखा भाई दोनों लगातार नंबर आ गए, बिल्कुल, अब यहां पे साइन किस चीज का, नेगेटिव का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन बाद में करूंगा दोस्तों कि हाँ भैया आया कैसे, जैसे एक मैं बताता हूं √x + √x अप टू इनफाइनाइट इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, बट अभी हमको क्या करने हैं क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, देखिए जो चीज आपको अक्सर परेशान करता है वो क्या है, अब देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन, देखिए मैं बोलता हूं √5, √5, √5, ठीक है, √5 कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, अब वैल्यू कैसे बताएंगे, अब देखिए इस चीज में, और जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था ये, अभी लास्ट वन क्वेश्चन था, चलो हम प्लस लेते हैं, +√2 ये भी कितना है, अप टू इनफाइनाइट है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि देखिए ये दोनों अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, कैसे कंफ्यूज करते हैं, अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये है भाई, यहां तो साइन प्लस का है लेकिन यहां पे कोई साइन प्लस या माइनस का नहीं है, मतलब ये किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बट देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस समझ में आया, यहां पे तो हम एज इट इज करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 1 × 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है, बट यहां पे तो सर कोई प्लस का नहीं है, तो हमारा आंसर जो ये नंबर है वो एज इट इज हो जाएगा, 5 इज आंसर। समझ में आया कैसे, प्लस का साइन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन अप टू इनफाइनाइट है, ये भी अप टू इनफाइनाइट है, यहां पे प्लस का, यहां पे मल्टीप्लाई का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपके सामने कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया दोस्तों इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, कैसे समझेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, यहां पे प्लस का साइन दोस्तों, यहां पे भाई मल्टीप्लाई का, जब हमारा मल्टीप्लाई अप टू इनफाइनाइट आ जाता तो सेम आंसर आ जाएगा, हाँ जब प्लस का है तो उसके हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इसके 2 टाइप्स हैं भाई, लगातार है या नहीं है वो आपने देख लिया। अब देखिए हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैं इसको एज इट इज लिखने रहता हूं यहां पे, अब क्या लिखूंगा मैं, अब लिखा √5, √5 और √5, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सर मैं आपसे बोल रहा हूं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमको एक बार देखने से ये लगता है कि भाई ये दोनों तो सेम है, बट ये दोनों क्या डिफरेंट है, कैसे, ये तो भाई हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, कितने तक जा रहा है हमको नहीं पता, बट यहां पे ये आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप होने का मतलब ये खत्म, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर हमने कैसे निकाला था दोस्तों, भाई 5 मल्टीप्लाई में तो आंसर 5, बट इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये चीज ध्यान से देखना, दोनों में डिफरेंस आ गया होगा समझ में, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भाई ये तो इनफाइनाइट तक है, ठीक है, पता नहीं कहां तक जा रहा है, लेकिन ये यहां पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखेंगे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ओके। अब एक चीज देखेंगे हम, देखिए ये साइन किसका था आपका, ये हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए भाई स्क्वेयर रूट का साइन है, ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं वर्गमूल का साइन है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमने देखा हम स्क्वेयर रूट को या वर्गमूल को गिनेंगे, कितने हैं, 2, 1, 2 और 3, कितने स्क्वेयर रूट हैं यहां पे, टोटल 3 स्क्वेयर रूट्स हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट 2 की पावर 3 कर देंगे, दिस इज 8। अब ये 3 कहां से आया, 2 कहां से आया, क्योंकि देखिए स्क्वेयर रूट क्या होता है, स्क्वेयर रूट अभी बताऊंगा मैं आपको, स्क्वेयर रूट क्या होता है, किसी की भी पावर 1/2,
ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका मेथड क्या है, 2 की पावर 3, मतलब देखिए कितनी बार जितने स्क्वेयर रूट है उसकी 2 की पावर उतनी ही कर देंगे। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, नीचे 8 और ऊपर 7, इससे 1 माइनस करके लिख देंगे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 raised to power 7 by 8। समझ में आया, कोई नहीं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूं 7 7 7 7, ठीक है, चलो भाई एक और लिख देते हैं, क्या है, देखिए इतनी चीज है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया भाई, ये नेगेटिव नहीं, यहां पे स्टॉप हो गया, इसका मतलब इसका आंसर ऐसे आएगा, नंबर कौन सा, 7 लिख लिया। अब क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, या हम इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे तो हम इसको ये गिन लेंगे, 1 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मीन्स 2 raised to power 5 कितना होगा, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, मतलब 2 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना है, 5 times, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, मतलब यहां पे कितना आएगा, 32, इससे ऊपर 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कितना, 31, तो आंसर इज 7 raised to power 31 by 32, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे आपके एक अलग से टाइप है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे भाई। अब देखिए एक लास्ट वन क्वेश्चन, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, और इसके क्वेश्चन रिगार्डिंग कैसे आते हैं। अब देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, उसने लिखा है कि √248 + √15 + √169, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे भाई, क्या चीज देखेंगे, देखिए यहां पे भी ये स्टॉप हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पे तो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं भाई। यदि मैं देखो इसको कंपेयर करूं, 7 7 7, यहां पे ये फिनिश है, मतलब यहां पे हमने इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं क्वेश्चंस को, यहां 7 7 7, मतलब एक नंबर है, बट यहां पे प्लस का साइन भी आ गया, ठीक है, और डिफरेंट नंबर्स है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे, कहां से करेंगे, अब देखिए अक्सर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको किससे स्टार्ट करना है, बैक साइड से। अब देखिए √169, अब देखिए यहां पे जो नंबर आपको दिया होगा ना दोस्तों, वो एक ऐसा नंबर होगा जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर होगा। यदि मैं कहता हूं √169, वो किसका स्क्वेयर है, उसको हम बोल सकते हैं 13 square, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यदि कोई भी एक स्क्वेयर और उसके ऊपर रूट आ जाता है, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। क्या बोल रहा, ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं बोलता हूं रूट ये 13 square है, तो क्या करेंगे, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या मतलब, क्या हुआ, जहां पे भी स्क्वेयर रूट है उसका मतलब है वो किसी नंबर की जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है। समझ में आया दोस्तों, इसका मतलब ये 13 square है तो इसकी पावर कितनी है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है भाई, सर्ड्स वाला है, ठीक है, वो चीज मैं बाद में करूंगा, घातांक और कर्णी आप हिंदी में बोल सकते हो, इंडिसीज एंड सर्ड्स, वो टॉपिक मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखा हमने 13 square, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 248 प्लस यहां पे 15, इसका आंसर कितना आएगा, +13। क्या समझ में आया दोस्तों, ये कितना हो गया, 13 हो गया, 15 + 13। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 15 + 13 8 28। अब देखिए यहां पे सॉरी ये 15 नहीं, यहां पे 51 है दोस्तों, क्योंकि देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेगा ऐसे, ये कितना है, 51 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पे कितना है आपका, 13 है, यहां पे कितना है, 51 है, तो 51 + 13 कितना होगा, 464, तो हम इसको लिखेंगे 248 + √64। अब देखेंगे 64 किसका स्क्वेयर है, 8 का स्क्वेयर, 8 × 8 = 64, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 248 + 8। आपको समझ में आ गया होगा, ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन इस तरीके का हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 और 8 = 6 5 2, अब ये रूट कितना आ गया, 256। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बोला था, 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 स्क्वेयर्स लर्न करने हैं, अब ये किसका स्क्वेयर होगा, ये आपका 16 का स्क्वेयर,
ठीक है। अब देखिए फिर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने 60। समझ में आया, एक बार और देखते हैं। देखिए इस टाइप का अक्सर हमारे हमारे आगे क्वेश्चन आता है कि भाई हम इसको कैसे सोल्व करें। सोल्व करने के लिए लास्ट वन देखेंगे, नंबर 13 का स्क्वायर है तो यहां पे क्या आ जाएगा 13, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 51 प्लस 13 जो नेक्स्ट नंबर उसके साथ ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा 64। किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोस्तों, ओके। अब देखिए एक जनरल क्वेश्चन है जो अक्सर हम गलत करते हैं, क्या क्वेश्चन है? अब देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूं रूट फोर। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और मैं आपसे फोर ऑप्शंस देता हूं, ठीक है, रूट फोर की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं कि भैया स्टेट में, किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन क्या होंगे, मैं देता हूं 2, सेकेंड वन देता हूं -2, थर्ड वन ऑप्शन देता हूं आपके सामने +-2, और फोर्थ वन ऑप्शन देता हूं नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए ये हमको पता है रूट फोर की वैल्यू 2 होती है, हम एक मिनट से पहले बताएंगे भाई 2 इज द करेक्ट आंसर, बट देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता। देखिए है तो बहुत ज्यादा सिंपल, लेकिन क्या हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं? कैसे? देखिए रूट फोर की वैल्यू जो होती है, मैं कहता हूं +-2 होगी। क्या बोला मैंने? +-2। सर ये चीज समझ में नहीं है, ये भी बताता हूं, +-2 का मतलब क्या है, 2 हमारा पॉजिटिव भी है और 2 हमारा नेगेटिव भी है। समझ में आया? देखिए +-2, देखिए मैं हम क्या लगाएंगे जल्दबाजी में, इसका आंसर 2 लगा के आएंगे, लेकिन 2 हमारा आंसर नहीं है। क्या -2? नहीं, मैं आपको बोलता हूं दिस इज आवर आंसर। अब देखिए हम इसको अच्छे से देखते हैं कि भाई मैंने ये बोल दिया, मैं आपको ऐसे कुछ भी बताऊंगा आप मान लेंगे? नहीं। देखिए मैथ में क्या है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रूट फोर की वैल्यू कितनी है प्लस, देखिए कोई भी स्क्वायर रूट है एक्स, उसका आंसर क्या आएगा आपके सामने +-, जो भी इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। जैसे रूट 16 है, 16 का आंसर क्या होगा +-4 आंसर होगा, ठीक है। हम क्या लिखते हैं अभी देखिए, लेकिन सर आपने तो ये लिखा था 169, उसको हमने 13 लिख दिया था। अक्सर हम यूज करते हैं +13, क्योंकि नेगेटिव 13 क्या है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इसका मतलब क्या है 2 है, ये -2 है। यदि मैं कहता हूं 2 का स्क्वायर कितना होगा, मींस 2 इंटू 2 कितना होगा, वो हमारा होगा 4, हमारा आंसर आ गया। सर ये तो हम भी बोल रहे थे, बट सर आपने ये अलग बता दिया -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब है जो भी ये नंबर है ना वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब -2 × -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी आंसर कितना आएगा आपके सामने 4। तो यहां पे यदि इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता, जनरल क्वेश्चन पूछ लेता वो आपसे रूट फोर की वैल्यू क्या होगी +-2। अब देखिए ये -2 क्यों नहीं होगा, ये +2 क्यों नहीं होगा, वैसे तो दोनों चीजें, बट देखिए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा, तीनों में से थर्ड वन ऑप्शन इज बेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिगार्डिंग, देखिए आपने नई चीज सीखी है, रूट फोर की वैल्यू +-2 होगी, 2 और -2, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखने, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो आपके स्टेट में क्वेश्चन आए हैं अभी तक हम उसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट किया है तो उसमें क्या क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आएगा आपके सामने जो हमारे स्टेट एग्जाम में आया हुआ है डिटो क्वेश्चन, वो क्या है √18 × 14 × x, ठीक है, = 84। तो उसने बोला है, अब देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, देखिए ऑप्शन अच्छे रहेंगे 22, सेकंड है 24, थर्ड है आपका 28, ठीक है, फोर्थ है आपका 32, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताओ, ओके। अब यहां पे हमको एक चीज देखना कैसे निकाल लेंगे भाई। अब देखिए यहां पे हमने देखा ये स्क्वायर रूट है, यहां पे सिंपल नंबर है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे 2 का रूट है तो यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए यदि मैं इसको हटा दूं यहां से, स्क्वायर रूट यदि मान लो 1% कट हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कब लीव होगा, स्क्वायर रूट कब लीव होगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मतलब देखिए आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, मैं आपको आपको समझा रहा हूं दोस्तों क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यदि आपको एग्जाम में दिए दो क्वेश्चन हम इस तरीके के करेंगे ना, तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। स्क्वेयरिंग मतलब बोथ साइड्स का मतलब क्या है, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करेंगे दोनों तरफ हिंदी में। अब देखिए क्या है, ये इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, तो 18 × 4 × 14 × x ये स्क्वायर है, तो हम इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। इक्वल 84, इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए आपको पता स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, तो ये क्या हुआ 18 × 14 × x इक्वल 84 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना 84 × 84 इसको लिखेंगे हम, क्या मैंने बताया था 84 किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है, वो 2 times लिखा जाता है, मतलब हम उसको ऐसे लिखेंगे 84 × 84, ठीक है। अब मैंने क्या चीज लिखा है, अब ये चीज लिख दिया, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, x की, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 84 × 84, ये दोनों चीजें किसमें है, ये दोनों चीजें हैं दोस्तों मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के साइड आते किस चीज की हो जाएंगे, डिवाइड की 18 × 14, ठीक है। हाँ भाई ये x की वैल्यू निकल जाएगी, अब x की वैल्यू ऑप्शन है आपके सामने कैसे निकलेगी, अब क्या है कट करेंगे 14 × 6 = 84 होते हैं ना दोस्तों 14 × 6। अब जैसे आपको मान लो स्पोज टेबल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अब हम क्या करेंगे 18 × 4 जा वैसे कितने देखेंगे क्या होता है, देखिए 2 9 = 18, 2 4 = 2 2 = 2, अब देखिए 9 से क्या है 3 से कटोरा 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 3 4 = ठीक है। अब देखिए क्या हमने कुछ गलती की, 2 9 = 2 4 = 8 और 2 2 = 4, अब जैसे मैंने क्या किया, अब देखिए दोबारा से करते हैं इसको, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 84 × 84 / 18 × 4, इसको जब हम कट करेंगे 2 7 = 2 42 और 7 6 = 42, ठीक है। अब देखिए क्या है 18, अब इसको हम कट करेंगे क्या होगा 2 9 = 18, 2 4 = 2 2 = अब देखिए 9 से 3 से कट हो रहा 3 3 = कितना 9 और 3 1 = 3 3, यहां पे क्या बचा 1, 3 4 = 12, अब देखिए क्या होगा 3 से ये भी कट हो रहा 3 2 = 6, तो आंसर कितना आ गया 14 × 2 = 28, तो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। अब ये चीज आपने कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया भाई बिल्कुल क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका एस्टेट एग्जाम जो हमारा लास्ट वन था उससे पहले एग्जाम में बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं फिर हम वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगी आपके सामने। क्या है जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं ये इस तरीके से 36.1 × 102 × 1, ठीक है। इसका ऑप्शन अब देखिए क्या है, सोल्व दिस डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है 58.8, सेकेंड ऑप्शन है 60.8, थर्ड वन ऑप्शन है 60.2 एंड लास्ट वन ऑप्शन 62.2, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना दोस्तों वो सारे एग्जाम्स में आएंगे, आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इनमें से कोई रिपीट हो जाए। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सर ये तो भाई पॉइंट्स में आ गए, यहां पे भी पॉइंट है यहां पे भी पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि मैं बोलता हूं 3.3 इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको पॉइंट को लीव करेंगे तो क्या होगा 33, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 10, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करेंगे 361/10 × 1024/10 और ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे 10 × 10, अब क्या करेंगे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, बट आपको देखिए मैंने एक चीज बोल रहा था, क्या बोल रहा था दोस्तों कि भाई आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, देखिए जो 1024 है वो क्या है एक परफेक्ट स्क्वेयर है, कौन से नंबर का है वो आपको पता होगा क्योंकि मैंने ये चीज एज इट इज करवाई थी, क्या कौन सा क्वेश्चन था 1024 किसका आंसर आया था दोस्तों कि भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या ऐड किया जाए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, विच नंबर इज एडेड फ्रॉम 4-digit नंबर स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने ये देखा था ये हमारा 32 का स्क्वायर आया था भाई, ठीक है। 361 किसका है,
ठीक है। अब आपको देखना है, अब आप कैसे करेंगे वो चीज, ये देखिए ये 100 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये किस चीज का है, ये 19 का है, ठीक है। 19 इंटू 32 करेंगे और नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट, 19 इंटू 32, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि मैं आपको बताता हूं तो आंसर क्या है, ये है, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें मैं एक पार्ट और लूंगा दोस्तों, एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, उसके बाद ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, ठीक है। तो जो भी बच्चे न्यू है दोस्तों चैनल पे, वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।